नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज फाइनली थियोरी का लास्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज एक ही दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है। पार्ट फोर देखने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी थी। क्या क्या चीजें पढ़ी थी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भाई अगर आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हो तो उससे आपका कंडीशन निकला था पाथ डिफरेंस का, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बताओ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या था फॉर्मूला आपका। एक्स एन इज इक्वल टू था एन लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एक्स एन का फॉर्मूला था एन प्लस हाफ लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी। बराबर है। अगर ये दो फॉर्मूला आपको आ गए होंगे अच्छे से, लास्ट वीडियो में थे, तो आपको आज का लेक्चर बहुत मजा आएगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। आज हम देखने जा रहे हैं इन यंग्स एक्सपेरिमेंट ऑब्टेन द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट एंड टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस। आपको पता है कि ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज मिलता है। सर, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज कैसे मिलता है? तो हमने वो आपको, मैंने आपको पता है ना, वीडियो दिखाया था लास्ट लेक्चर में। यहाँ पे स्क्रीन होती है, सेंटर में ब्राइट, तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क, फिर वापस ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे अल्टरनेट ब्राइट और डार्क। तो दो कंसेक्यूटिव ब्राइट के बीच का डिफरेंस कितना होता है और दो कंसेक्यूटिव डार्क के बीच का डिफरेंस कितना होता है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ब्राइट फ्रिंज मतलब क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आपको पता है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बताओ एक्स एन का फॉर्मूला क्या होगा, एन लैम्बडा कैपिटल डी बाय डी, किसके लिए, फॉर एन ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, कोई भी एन ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज के लिए। अब एक बात समझो कि यहां पे आपकी स्क्रीन है, यहाँ पे सेंटर में आपका मान लो कि ब्राइट आ रहा है, तो फिर ये डार्क, फिर ब्राइट आएगा, फिर डार्क आएगा, फिर ब्राइट आएगा। सो मान लेते हैं कि दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस, मतलब इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, तो वो दो डार्क की जो लेंथ होगी वो दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस आ गया, और जो दो डार्क के बीच का डिस्टेंस, मतलब वो जो दो ब्राइट की विड्थ है वो डार्क के बीच का डिस्टेंस हो गया। ये सब होंगे तो एज इट इज लाइन में होंगे सब, ठीक है ना। अगर आप, मैं मान लो कि भाई आप सब लाइन में खड़े हो, बराबर 1 2 3 4 5, मैं बोलूं कि भाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो जो जिसके बीच का डिस्टेंस, मान लो एंथ लिया और उसके बाद, या एंथ लिया उसके बाद वाला लेने का, उन दोनों को सबट्रैक कर देंगे उनको क्या कर देंगे, सबट्रैक कर देंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो फॉर एंथ ऑर्डर, सॉरी एंथ नहीं, अभी एंथ तो हो गया, एन प्लस वन ऑर्डर, एन प्लस वन ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज क्या होगा, एक्स एन का फॉर्मूला, एक्स एन प्लस वन क्या होगा, एन प्लस वन लैम्बडा डी बाय कैपिटल, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस क्या होगा, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, जैसे मैंने आपको बता दिया ना, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, जो फोर्थ माइनस थर्ड, थर्ड माइनस सेकेंड, दैट इज एन प्लस वन लैम्बडा डी बाय डी माइनस एन लैम्बडा डी बाय डी, लैम्बडा डी बाय डी कॉमन निकाल लो, तो एन प्लस वन माइनस वन, सॉरी एन प्लस वन माइनस एन, तो एन और एन कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं बीटा, बीटा इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस, वेयर बीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये मिल गया फॉर कंस्ट्रक्टिव, अब हम फॉर डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या होना चाहिए,
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, डार्क के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब डार्क के लिए हम मान लेते हैं एक्स एन डैश, मानते हैं एक्स एन डैश का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स एन डैश का फॉर्मूला बता दो। बहुत सारी बुक में उसको ऐसा भी लिखा होता है, एलसीएम ले लेते हैं, 2n+1 लैम्बडा डी बाय 2d। ये किसके लिए है, फॉर nth ऑर्डर डार्क फ्रिंज। तो फिर अभी हम नेक्स्ट के लिए फॉर n+1 ऑर्डर डार्क फ्रिंज, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, xn+1 डैश। जहां पे भी n है उसकी जगह पे क्या डाल दो, n+1+1 लैम्बडा डी बाय 2d। इसमें भी डाल सकते हो, इसमें भी डाल सकते हो, कोई गलत नहीं। तो देयरफॉर अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस क्या होगा, xn+1 डैश माइनस xn डैश। ये देख लो, 2n+2+1 लैम्बडा डी बाय 2d माइनस 2n+1 लैम्बडा डी बाय 2d। अब देखो लैम्बडा डी बाय 2d तो कॉमन निकाल लो, 2n माइनस 2n कैंसिल, 2+1 3-1, ये कितना हो जाएगा 2, और इसको कैंसिल करो, ये भी लैम्बडा डी बाय डी है, इसको भी बीटा मान लेंगे। तो इससे आपको एक चीज ये पता चली, पहले लिख लीजिए फिर आगे बताता हूं। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, लैम्ब्डा डी बाय डी, बराबर है, क्लियर हो गया। डन, ओके। अब हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ इंटरफेरेंस प्रोड्यूस्ड और डिस्कस द पैटर्न ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन अवे फ्रॉम द टू सोर्सेस। जैसे ही आप, हमारी बात हो चुकी है, यहाँ पे मैं एक लास्ट में ही मैंने वो ले लिया था, शायद यहाँ पे है, नहीं, ओके, एक मिनट सिर्फ, हाँ जी स्टार्ट करें। ये फिगर नहीं मिल रहा था, इसलिए ये फिगर मिल गया, तो अब हमारा काम हो गया। 8 मिनट ही है, ठीक। डिस्कस द पैटर्न ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। अब देखो ये दो स्लिट से स्क्रीन पे कैसी पैटर्न्स ऑब्टेन होगी वो हमें फाइंड करना है, अवे फ्रॉम द टू पॉइंट सोर्सेस, दो पॉइंट से दूर। नाउ लेट अस, S1 एंड S2 आर कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस मतलब पता है ना, जिनका फेस सेम होगा, एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ, S इज द मिड पॉइंट हियर एट द डिस्टेंस S टू D इज द O पॉइंट ऑन द स्क्रीन। As the distance S to D, there is a, at the distance S to D is the O point on the screen. D distance है S से, वो screen पे कितना point में मिल रहा है, O point, तो इसका मतलब in short SO का distance हो गया D. SO is on the perpendicular bisector of S1 S2. S1 S2 का perpendicular bisector मतलब यहाँ पे 90 degree और exactly middle. So the path difference for each point on S1O is equal to S2. देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जितना यहाँ से यहाँ पे पहुंचेगा उतना ही यहाँ से यहाँ पे पहुंचेगा, मतलब यहाँ पे क्या ऑफ कोर्स आपको मिलेगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मतलब सबसे पहले ब्राइट मिलेगा फ्रॉम ओ, एट विच द लाइंस विल बी स्ट्रेट एज शोन इन फिगर ए। में देख रहे हो स्ट्रेट लाइन, ए लाइन ये देख रहे हो, ये सेंटर पे बेटा देख लो, ये स्ट्रेट लाइन ब्राइट फ्रिंज। In order to determine the shape of the interference pattern on the screen, path difference is equal to integer into wavelength. अब integer into wavelength मतलब क्या कि भाई ये
होल एंड सोल किस पर डिपेंड करेगा? वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा. देन द फ्रिंज विल बी ब्राइट एंड इफ द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ऑड, ये इवन इंटीजर है, ये इवन इंटीजर, एंड ऑड इंटीजर इनटू वेवलेंथ, देन द फ्रिंज विल बी ब्लैक. तो ये तो हमने फॉर्मूला अभी देख लिया. फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? एन लैम्बडा. फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एन प्लस हाफ लैम्बडा, मतलब ऑड इंटीजर. टू एन प्लस वन हो गया ऑड इंटीजर, टू एन प्लस वन लैम्बडा हो गया, ये हमने पढ़ा था. अगर एस टू पी माइनस एस वन पी लैम्बडा अगर डेल्टा मान लेते हो, कांस्टेंट है, तो ट्रेजेक्टरी ऑफ पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन इज हाइपरबोला, बट इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज वेरी लार्ज, देन द फ्रिंज विल बी नियरली स्ट्रेट लाइन. अगर मान लेते हैं इनके बीच में और इनके बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा कम है, देख लो स्मॉल डी क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर है, ओके. और अगर स्मॉल डी ओ और छोटा कर दिया, डिस्टेंस छोटा हो गया, मतलब इनके कंपेरिजन में कैपिटल डी का डिस्टेंस छोटा हो गया, जैसे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे आपको क्या मिलेगा? पैराबोला. पैराबोला सब लोगों ने पढ़ा होगा, पैराबोला. वेयर एज आप जैसे ही डिस्टेंस कम करते जाओगे आप चेक कर सकते हो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइंस आपको मिलेंगी. क्या मिलेंगी? स्ट्रेट लाइंस आपको मिलेंगी. ये रियल में ऐसा ही होता है. अभी वो एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत सारी और चीजें चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पे इतना नहीं दिख रहे, बट आपको ये सिर्फ इतना समझना है कि भाई ऐसा बनता है. क्लियर हो गया? ठीक है. अब डिस्क्राइब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मोस्ट आईएमपी थियरी क्वेश्चन. यंग ने क्या किया? पहले एक सिंगल स्लिट ली, उससे सोर्स आया, जैसे मैंने आपको पता है वो वीडियो में दिखाया था लास्ट लेक्चर में, उधर से सोर्स से दो लाइट्स निकली, S1 और S2 पे गिरी, क्योंकि एक ही सोर्स से निकल रही है तो S1 और S2 पे सेम साइड सेम टाइम पे पहुंचेगी, मतलब फेज डिफरेंस जीरो, मतलब करंट वापस यहां से जितने भी निकलेंगी फिर वो स्क्रीन पे फ्रिंजेस बनाएंगे. ऐसे देखो ये रियल फ्रिंजेस ऐसे बनती है, डार्क डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट. आप बोलोगे सर ब्राइट तो छोटा है डार्क बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं होता है. ये आप देख सकते हो ना, इधर तक वो क्या है, इधर तक वो ब्राइट है, इधर तक वो ब्राइट है, क्योंकि वो थोड़ा सा ब्राइटनेस यहाँ पे कम हो जाएगी बट ब्राइट तो है. नाउ प्लेसिंग स्क्रीन सी एट फार फ्रॉम स्क्रीन बी सो दैट स्ट्रेट लाइन फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस्ड बाय सुपर इम्पोजिंग ऑफ द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट निकलेंगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन, देखो लाइन से निकल रही है ना, जैसे आपकी ट्यूब लाइट होती है उसमें से लाइन से निकलती है तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होती है. एमिनेटिंग फ्रॉम द स्लिट एस वन एंड एस टू, ये ऐसा बनेगा, ये डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है, ओके. यंग का एक्सपेरिमेंट क्या था? एक स्लिट लिया, इससे दो लाइट और उससे फिर स्क्रीन पे सारा फ्रिंजेस इंटरफेयर करेंगे, ओके. नाउ द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब इंटेंसिटी कैसी होती है? इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इंटरफेरेंस ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज दिस. सेंटर पे फिर ये डार्क ब्राइट सेम टू सेम, यहाँ पे भी डार्क ब्राइट आप चेक कर लो. ये सेंटर पे मान लेते हैं डार्क ब्राइट, फिर वापस डार्क फिर ब्राइट, यहाँ पे भी क्या होगा? डार्क ब्राइट, अल्टरनेट डार्क ब्राइट बैंड्स होंगे. ये रहा देख लो. From the graph, it can be said that all interference fringes are at the same width and at the same intensity. सबकी intensity same है for this particular Young's double slit experiment. Real में ऐसा हो जरूरी नहीं है. और सबकी intensity भी एक fix है. और सबके बीच में distance भी same है. Points on which the destructive interference occur have zero intensity. देखो ये point, ये point, ये point. याद करो destructive interference कब होता है? n प्लस हाफ लैम्बडा, मतलब 0.5, 1.5. तो देखो 0 और 1 के बीच में 0.5, 1.5, 2.5 ऐसे. और कहाँ पे डार्क ब्राइट होता है? 1 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, वहां पे. द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस और टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस इज सेम, जैसे हमने देखा था. क्या है फॉर्मूला? बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डी बाय डी. इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ फ्रिंज. ये जो इंटेंसिटी निकली कोई ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सा ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर, उस पे डिपेंड नहीं करता. क्लियर हो गया? पक्का? डन. अब उसके इलस्ट्रेशन है, दो इलस्ट्रेशन. पहला इलस्ट्रेशन है 10.3, ठीक है, चलो देखते हैं 10.3 क्या बताता है. 10.3 हमें बताता है क्या दिया हुआ. टू स्लिट्स आर मेड अप ऑफ 1 मिलीमीटर अपार्ट. 1 मिलीमीटर अपार्ट मतलब स्मॉल डी, 1 mm. 1 mm को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो कितना आएगा?
कितना आएगा जल्दी से बता दो, 10^-3 मीटर। एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, कैपिटल डी कितना आ जाएगा 1 मीटर। वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी है 500 nm, 500 × 10⁻⁹ मीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन, फ्रिंज सेपरेशन मतलब दो फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस। तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी, 500 × 10⁻⁹ × 10⁻³। ये हो गया -6, तो 500 × 10⁻⁶ मीटर। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, 5 × 10⁻⁴ मीटर। क्लियर हुआ, कितना सिंपल था। एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, फ्रिंज सेपरेशन मतलब दो फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, वो तो आपको पता ही है। दो फ्रिंज मतलब कौन सी, यहाँ तो दो डार्क, यहाँ तो दो ब्राइट। ठीक, नेक्स्ट थियरी क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंज इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ दिस। जैसे आप स्क्रीन को मूव करोगे वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, हमने देखा। अगर नजदीक रखोगे तो पैराबोला। एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, द एक्चुअल सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज इंक्रीजेस इन प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द टू स्लिट्स। आपको पता है बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी तो हमेशा फिक्स रहता है, बराबर है। तो एक्चुअल सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज इंक्रीजेस इन प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द टू स्लिट्स। तो फ्रिंज क्या होती जाएंगी, फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दूसरा, द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ अदर शॉर्टर वेवलेंथ। आपको पता है बी का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अगर आपने लैम्बडा छोटी कर दी तो सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज ऑल्सो डिक्रीजेस। तीसरा, द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इज इंक्रीज, अगर आप डी को इंक्रीज करोगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, तो सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज ऑल्सो डिक्रीजेस। ओके, चौथा, The source slit is moved closer to the double slit plane. जितना क्लोज लेके आओगे तो D क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। D कम हो जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं, Let S be the size of the source and S is distance from the plane of the two slits. For interference fringes to be seen. तो देखो, interference distance हो सके उसके लिए ये condition जरूरी है। बहुत बार ऐसा होगा नजदीक लेके interference हुआ ही नहीं। S क्या है, size of source, capital S क्या है, distance from the स्लिट, ये होना चाहिए। अदरवाइज इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोर्स ओवरलैप एंड नो फ्रिंजेस आर सीन। ऐसा भी नहीं, आप देखो रियल लाइफ में भी आपके इंटरफेरेंस पैटर्न होती है बट ओवरलैप हो जाती है तो नहीं दिखती है। दस एज एस डिक्रीजेस, दैट इज द सोर्स स्लिट इज ब्रॉट क्लोजर, द इंटरफेरेंस पैटर्न गेट्स लेस एंड लेस शार्प, एंड व्हेन द सोर्स इज ब्रॉट टू क्लोज, जितना नजदीक लेके आए तो वो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी और द फ्रिंज विल डिसअपीयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ई क्या है, द विड्थ ऑफ द सोर्स स्लिट इज इंक्रीज्ड, विड्थ मतलब इंक्रीज करते रहोगे तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट आएगा। विड्थ मतलब क्या, स्मॉल डी इंक्रीज करते रहोगे, बराबर। एज द सोर्स स्लिट विड्थ इंक्रीजेस फ्रिंज पैटर्न गेट्स लेस एंड लेस शार्प, क्यों, स्मॉल डी जितने बड़ा हो गए तो ये पार्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और हमें ये पार्ट कैसे भी करके बड़ा रखना है। ओके, और लास्ट पार्ट, द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस बाय सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, अगर व्हाइट लाइट से प्रेस करोगे द इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट ओवरलैप। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मतलब जो सेंटर पे जो ब्राइट फ्रिंज होती है वो एट द सेम पोजिशन, देयर फॉर द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज व्हाइट फॉर अ पॉइंट पी, मान लेते एस टू पी माइनस एस वन पी इतना आ रहा है। ओके, रिप्रेजेंट द वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर, द ब्लू कंपोनेंट विल बी एबसेंट एंड द फ्रिंज विल अपियर रेड इन कलर। Slightly farther away, थोड़ा सा और दूर लेके जाते हैं, क्यू की बात करते हैं, तो इट इज द वेवलेंथ फॉर द रेड कलर एंड द फ्रिंज विल बी प्रीडोमिनेंटली ब्लू। आप बोलो सर क्या बोला, कुछ पता नहीं चला। आपको सिर्फ यही चीज समझनी है कि इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कलर ऑफ व्हाइट लाइट ओवरलैप, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, सबको ओवरलैप करेंगे, इसलिए सेंटर पे हमें क्या मिलेगा, सब एक दूसरे को ओवरलैप करके मिलके क्या बन जाएगा, व्हाइट मिलेगा। फिर जिस हिसाब से आप चेंज करते जाओगे शॉर्टर ग्रेटर वेवलेंथ के लिए, उस हिसाब से आपको कहीं कहीं पे ब्लू मिलेगा और कहीं कहीं पे रेड मिलेगा। क्लियर हो गया, पक्का। देखिए स्टूडेंट, ऐसा मिलता है इंटरफेरेंस रियल पैटर्न, ये देखो
सबके बीच में डिस्टेंस सेम ही होगा। अब बोलो सर ब्राइट तो बड़ी है डार्क छोटी, ऐसा नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बताया था सबका डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। अब बोलो सर इस साइड तो कम होता गया, हाँ वो क्यों कम होता जाएगा, बिकॉज लाइट की इंटेंसिटी सेंटर पे काफी ज्यादा है तो धीरे धीरे वो कम होता है, बट दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। ये है बेसिकली आपका इंटरफेरेंस। ओके, अब जो दूसरी चीज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरफेरेंस के बाद, उसका नाम है डायफ्रेक्शन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायफ्रेक्शन। व्हाट इज डायफ्रेक्शन? ओके, हु डिस्कवर्ड इट? व्हाट काइंड ऑफ डायफ्रेक्शन फिनोमेना अकर्स इन वेव्स? तो द फिनोमेना ऑफ वेव्स अराउंड द ऑपेक दैट इज ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डायफ्रेक्शन। कोई भी ऑपेक ऑब्स्टेकल के आसपास से जो निकलता है रेज, उसे हम क्या बोलेंगे, डायफ्रेक्शन बोलेंगे। ओके, एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ डायफ्रेक्शन क्या है? डायफ्रेक्शन इज द फिजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द लिमिटेड पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट। अब देखो साउंड और लाइट के बीच का डिफरेंस क्या है पता है? जैसे अगर मैं मान लो कि भाई आपकी मम्मी बाहर हॉल से आपको बुला रही है और आप रूम में बैठे हो, तो उनका आवाज आपके रूम तक क्यों आता है? क्योंकि रूम तो हॉल के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं भी होता है, बहुत बार आगे पीछे हो जाता है और टेढ़ा मेढ़ा भी होता है, तो साउंड ट्रेवल्स बैंड हो जाता है, साउंड बैंड हो जाता है और फिर जहां पे पहुंचना चाहिए वहां पे पहुंचता है। वेरेस लाइट का ऐसा नहीं होता है, लाइट कभी बैंड नहीं हो पाती, और बैंड नहीं हो पाती है उसका मतलब जितना बैंड वो साउंड हो सकता है उतनी लाइट बैंड नहीं होता है। मान लो कि उसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल मिला तो वहां जहां पे एज होगी वहां से वो थोड़ी सी बैंड होगी, ज्यादा बैंड नहीं होती है जहां पे उसकी एज पे। वेरे साउंड तो पता है आपको पूरा बैंड होके वापिस जो उसको पूरा पाथ कवर करना था वो करेगा, बट लाइट ऐसे काम नहीं करती है। इसलिए देखो क्या लिखा, लिमिटेड पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट, बाकी सब क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। डायफ्रेक्शन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट नेम ग्रिमल्डी। ग्रिमल्डी नाम के बंदे थे ने सबसे पहले ये डायफ्रेक्शन देखा था। डायफ्रेक्शन फिनोमिना अकर्स इन साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, वाटर वेव्स और मैटर वेव्स। चारों जगह पे डायफ्रेक्शन होता है, साउंड में भी होता है। इसलिए साउंड अगर देखो हॉल में हो और रूम में हो आवाज कम आता है, उसका रीजन यही है क्योंकि लिमिटेड पार्ट ही आगे बढ़ सकता है। डायफ्रेक्शन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लैम्बडा एंड विड्थ ऑफ स्लिट डी। ये लैम्बडा बहुत इंपॉर्टेंट है, साउंड का अलग होता है लाइट का अलग होता है, दैट इज ऑन द रेशियो ऑफ लैम्बडा बाय डी। ड्यू टू द डायफ्रेक्शन फिनोमिना दैट अकर साइमल्टेनियसली इन द डार्क एंड ब्राइट एरिया नियर द ज्योमेट्रिक शेडो ऑफ द ऑपेक ऑब्जेक्ट। Our eyes or optical device such as telescope and microscope seem to have a limit on the resolving power due to diffraction. Resolving power मतलब ज़्यादा ज़्यादा दूर दूर कितना देख सकते हैं, infinite तक। But दूर वाली चीज़ इतनी हमें दिखती नहीं है। दूसरी बात छोटी छोटी चीज़ हमें नहीं दिख पाती है, माइक्रोस्कोप में भी एक लिमिट आ जाती है, टेलीस्कोप में भी एक लिमिट आ जाती है, बिकॉज उसका रीजन है डायफ्रेक्शन। बराबर है? अब बोलोगे सर डायफ्रेक्शन क्या, क्योंकि उसके देखो आपको लेंस से ही देखना है तो लेंस के बाउंड्री पे से जो लाइट होती है वहां से वो क्या होती है, बैंड हो जाती है और वो हमारे आंखों तक शायद ना भी पहुंचे, इसलिए हमें जो सामने चीज हो ना दिखे, तो इसके लिए उसकी लिमिट होती है। द कलर्स अपीयरिंग ऑन द सीडी आर एक्चुअली ड्यू टू डायफ्रेक्शन इफेक्ट। सीडी आपने किसी ने देखी होगी, और सनलाइट में रखो, आज के जमाने में तो स्टूडेंट्स ने बहुत कम देखी होगी, बट सीडी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि वहां पे बहुत सारे कलर्स होते हैं अलग अलग, वो दैट इज व्हाट ड्यू टू डायफ्रेक्शन। द ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायफ्रेक्शन कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय वेव थियरी, पार्टिकल थियरी से कभी भी नहीं कर सकते। देर आर टू टाइप्स ऑफ डायफ्रेक्शन दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द वेव्स दैट इंसिडेंट ऑन द स्लिट। पहला, इफ द स्फेरिकल वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द स्लिट, स्फेरिकल वेव फ्रंट तो फ्रेंजल डायफ्रेक्शन, और प्लेन वेव फ्रंट मिलती है तो फ्रोनहोफर डायफ्रेक्शन। नाम याद रहेगा, अगर वो स्फेरिकल वेव फ्रंट है तो फ्रेंजल एंड प्लेन वेव फ्रंट है तो फ्रोनहोफर डिफ्रेक्शन। क्लियर हो गया? पक्का? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। हाँ जी, तो अब हम पढ़ते हैं डायफ्रेक्शन बाय सिंगल स्लिट। सिंगल मतलब एक ही स्लिट से डायफ्रेक्शन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ये कॉन्वेक्स लेंस है, सोर्स से लाइट जा रही है तो ये पार्ट पे वो लाइट क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये एज है उसका। एज शोन इन फिगर कीपिंग द मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स एट द सेंटर ऑफ द कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे रखा। The waves coming out of it are parallel and get a plane wave front occur at the slit L end। मान लेते हैं इसको फोकस पे रखते हैं तो भाई फोकस से जो भी लाइट आती है वो पैरेलल हो जाती है, पैरेलल हो गए वो कहाँ पे मिल रही है, L end पे। Now according to Huygens principle every particle of plane wave front on a slit behaves as an independent secondary source and emit by itself secondary spherical wave।
फ्यूजन भैया ने क्या बताया कि भाई यहाँ पे मान लो ये प्लेन वेव फ्रंट है, तो एक दो तीन चार पांच जितने भी है वो सब प्लेन वेव फ्रंट की तरह काम करेंगे. ओके, विच एग्जिटिंग द स्लीट एक्सपीरियंस इंटरफेरेंस एंड फॉर्म कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अब यहाँ पे स्लीट से बाहर निकल रहे हैं तो ज्यादातर जो एज वाले पार्ट होते हैं, एज वाले, एज देख रहे हो ना आप ये वाली एज, वहां पे यहाँ पे देखो यहाँ पे एज है और यहाँ पे एज है, उसके कारण वो क्या हो गया, टकरा के उसका इंटरफेरेंस होगा. एज अ रिजल्ट ब्राइट एंड डार्क पॉइंट्स ऑब्टेंड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द फोकस ऑफ द सेकंड कन्वेक्स लेंस. इसलिए स्क्रीन पे फिर अगर आप उसको फोकस कराओगे तो अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे, विच इज शोन इन द गिवन फिगर. नेक्स्ट फिगर में बताया गया, पहले ये फिगर बना लीजिए, इतना लिख लीजिए, फिर मैं आपको कैसे बनता है वो बताता हूँ. लिख लिया, हाँ ऐसे बनता है. देखो प्लेन वेव फ्रंट जाएगा स्लीट के पास से, वो बैंड हो जाएगा तो सेंटर पे मैक्सिमम मिलेगा, फिर धीरे 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 कम होते 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 बहुत कम हो जाएगा. तो सबसे पहले सेंट्रल मैक्सिमम, देखो ये सेंट्रल मैक्सिमम मिल रहा है ना, सेंट्रल मैक्सिमम. इफ द विड्थ ऑफ द स्लीट एल एन, उसकी स्लीट की विड्थ है ए, एंड इफ द पॉइंट सी ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी, स्क्रीन पे ये पॉइंट सी है जो कितना डिस्टेंस दूर है, डी डिस्टेंस दूर है. ओके, फ्रॉम द स्लीट एल एन इज लोकेटेड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द स्लीट, एल एन का एग्जैक्ट बीच में वो लोकेट हुआ है. ओके, एंड द एंगल विल बी जीरो डिग्री, मतलब उसका एंगल क्या हो जाता है, थीटा है वो उस पर ही मिल रहा है तो जीरो डिग्री हो जाएगा. सो द पाथ डिफरेंस ऑफ द वेव एमिनेटिंग फ्रॉम ऑल द पार्टिकल. अब देखो उसका थीटा जीरो हो गया, थीटा जीरो हो गया मतलब आपको पता है पाथ डिफरेंस जीरो हो गया, पाथ डिफरेंस जीरो होता है तो कंस्ट्रक्टिव, इसलिए वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा एट सी, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमम. तो सेंट्रल मैक्सिमम की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री. याद करो बेटा, इवन थीटा इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव एंड ऑड थीटा, ऑड पाई इज ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव. तो ये थीटा इज इक्वल टू जीरो था, आप बोलोगे सर जीरो इवन होता है कि ऑड इवन होता है, तो इसलिए वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना रहा है कहां पे, सेंटर पे. उसके बाद हम देखेंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें उसके बाद देखो कंस्ट्रक्टिव, ये इसके बाद डिस्ट्रक्टिव बनेगा, फिर वापस कंस्ट्रक्टिव बनेगा, फिर डिस्ट्रक्टिव. तो अब उसके बाद जो पहला पहला, उससे पहले हम पाथ डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं कि पाथ डिफरेंस क्या आएगा, उसके बाद मिनिमा फाइंड करेंगे और मैक्सिमा फाइंड करेंगे. ये जो होता है सेंट्रल है, उसके बाद क्या मिलेगा, ये मैक्सिमा मिला, ये मिनिमा मिलेगा, वापस मैक्सिमा मिलेगा. ठीक है, तो नेक्स्ट फिगर मैं आपको बताता हूँ, बट पहले इतना लिख लीजिए. आगे बढ़े, ठीक, कैलकुलेशन फॉर पाथ डिफरेंस. अब पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं. मान लेते हैं सपोज सपोज फॉर इंटरफेरेंस एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे मान लो इंटरफेरेंस हमें करना है ऑन द स्क्रीन. This point makes an angle theta with line MC. ये जो MC है सेंटर वाला लाइन, उसके साथ वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है. सो इसमें आपको एक राइट ट्रायंगल ट्रायंगल मिलेगा NQL, N Q और एक बात समझो, बहुत ध्यान से समझने की बात है बेटा, पाथ डिफरेंस मतलब क्या. अब जैसे एक रे इधर से जा रही है और इधर से जा रही है, तो ये जब यहां पे पहुंचेगी तब तक तो ये थोड़ी उसके पीछे ही होगी ना, तो जितना पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस आया वो यहाँ पे भी हो सकता है, बराबर. चल मान लेते हैं, जिसको समझ में नहीं है वो ध्यान से सुनेगा. इस समय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो तो जो जो ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस है, तो ये बंदा है वो ओरिजिनल लेंथ के इतना पीछे है, तो पाथ डिफरेंस क्या हुआ हमारा, एन क्यू क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस हो जाएगा. एन क्यू इज अवर पाथ डिफरेंस. ओके, और NP माइनस LP क्या, पाथ डिफरेंस NP माइनस LP है ना, NQ इज इक्वल टू NP माइनस LP पाथ डिफरेंस.
और एंगल एन एल क्यू को मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। तो देयर फॉर एंगल एन एल, ट्राइंगल में साइन थीटा अप्लाई करो, ट्राइंगल में साइन थीटा एन एल क्यू। आप बोलो सर ये थीटा कैसे होगा, ये एल था, ये एन है और ये क्यू है, ठीक है, यहाँ से जो लाइन निकल रही है वो थीटा बना रहा है, तो ये भी थीटा कैसे होगा बाय ज्योमेट्री। हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, ज्योमेट्री से ये थीटा होगा वो आपको समझ में आना चाहिए, हमने ऑलरेडी 11th में क्वेश्चंस करे हुए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, एन क्यू बाय एन एल, तो देयरफॉर एन क्यू इज इक्वल टू एन एल साइन थीटा। यहाँ पे जो एन क्यू है हमारा, ये जो हमारा एन क्यू है उसके यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर एन क्यू इज इक्वल टू एन एल साइन थीटा, एल एन साइन थीटा इज इक्वल टू एन पी माइनस एल पी। अब एन एल हमारा, एल एन कितना है ए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ एन पी माइनस एल पी ए साइन थीटा हो गया। देयरफॉर पाथ डिफरेंस हम क्या बोल सकते हैं, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ए साइन थीटा। आ गया समझ में, आया बेटा ये समझ में आया, तो उसके बेस पे हम फिर निकाल सकते हैं मिनिमम पोजीशन ऑफ मिनिमम। मिनिमम मतलब देखो सेंटर पे जो मैक्सिमम मिला उसके बाद सेकंड पॉइंट मिनिमम। तो सपोज मिनिमा के लिए हमें, मिनिमम मतलब क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सपोज पाथ डिफरेंस लैम्बडा है, ओके, विच इज इक्वल टू एन क्यू, देन फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन एंड पॉइंट पी मेक्स एन एंगल थीटा वन विद लाइन MC। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मान लो पाथ डिफरेंस लैम्ब्डा है और फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम P पे बन रहा है और वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा वन लाइन के साथ, तो आपको पता है कि भाई पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला अभी हमने देखा A साइन थीटा, ओके, और जो फर्स्ट मिनिमा है मान लेते हैं थीटा वन फर्स्ट मिनिमा बना रहा है, तो हम इसको क्या मानेंगे, n lambda is equal to a sin theta for n is equal to 1, तो lambda is equal to a sin theta 1। इसको क्या बोलते हैं, कंडीशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम। If 2 डाल दे तो 2 लैम्बडा इज इक्वल टू ए साइन थीटा 2, तो ये क्या है, कंडीशन फॉर सेकंड ऑर्डर मिनिमम, बराबर है। तो ऐसे हम जनरल देखने जाए तो क्या होगा, पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे देखते हैं। वैसे जनरल देखने जाए सो फॉर nth ऑर्डर मिनिमम n लैम्बडा इज इक्वल टू a साइन थीटा n, एंड वेयर n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ओके। सो देयरफॉर इसमें से therefore तो नहीं बोल सकते, इफ थीटा एन इज वेरी स्मॉल तब उस केस में साइन थीटा एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एन हो गया, सो एन लैम्बडा इज इक्वल टू ए थीटा एन, सो थीटा एन की वैल्यू क्या मिलेगी, एन लैम्बडा बाय ए। और ये आप बोलोगे सर थीटा क्या है, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मिनिमम और विथ ऑफ द, ये अपना फर्स्ट एंगल भी मान सकते हो, विथ भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया इतना।
क्लियर हो गया बेटा? ओके, अब हमने फिगर में देखा था कि भाई सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद मिनिमा, फिर वापस मैक्सिमा। तो फिर फर्स्ट ये सेंट्रल में मैक्सिमा मिला, मैक्सिमा के बाद जो है क्या होगा, फर्स्ट मिनिमा के बाद क्या मिलेगा, सेकंड मैक्सिमा, क्योंकि सेंटर में जो फर्स्ट मैक्सिमा मिल रहा है ना, तो पोजीशन ऑफ फॉर द सेकेंडरी मैक्सिमा उसके लिए क्या करेंगे, सपोज स्लिट इज डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स, तीन पार्ट में डिवाइडेड है, एक दो और तीन, एंड टू, देन इन द टू पार्ट्स आर गेट सच अ पेयर ऑफ वेवफ्रंट कमिंग आउट ऑफ पॉइंट पी, पाथ डिफरेंस इज जीरो बट द इफेक्टिव वेव्स एमिनेटिंग फ्रॉम द पार्टिकल इन द मिडल ऑफ द स्लिट द इंटेंसिटी ऑब्टेंड एट पॉइंट बिटवीन टू मिनिमम दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमम। सर क्या बोला कुछ पता नहीं चला बट वापिस समझा। ओके, अब देखो मान लेते हैं हम स्लिट को एक दो और तीन पार्ट में डिवाइड किया, एक दो और तीन। अब आपको पता है एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा। अब इसके कारण और इसके कारण, दोनों के कारण क्या हो जाती है, हमने अभी देखा दो पार्ट में डिवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो मतलब इसके कारण मिनिमा हो जाएगा, इसके कारण तो कुछ दिखेगा नहीं, बट ये जो बंदा बचा हुआ है सिर्फ इतना, उसके कारण यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस मिलेगा, कौन सा, वो भी मैक्सिमा इंटरफेरेंस, मतलब हमें वहां पे थोड़ी बहुत ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। मैं आपको प्रूव करके बताऊं, देखो पहला सेंट्रल ब्राइट कितनी है, फिर तो उसके बाद फर्स्ट ब्राइट छोटी हो गई, सेकंड ब्राइट और छोटी हो गई, सेंट्रल ब्राइट, सेकंड ब्राइट और थर्ड ब्राइट। तो सेकंड ब्राइट आप देखो पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, क्यों, तीन पार्ट में डिवाइड कर दो तो पहला और दूसरा कट कर देंगे और तीसरा मिलेगा। फॉर दिस लेट पाथ डिफरेंस बिटवीन पी एंड पॉइंट पी एंड एन क्यू इज इक्वल टू 3λ/2। अब पाथ डिफरेंस 3λ/2 होता है, और अगर मान लो कि थीटा 1 डैश इज एंगल फॉर विद पी मैक्स विद एमसी फॉर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, ए साइन थीटा डैश इज इक्वल टू 3λ/2, ए साइन थीटा डैश इज इक्वल टू 3λ/2। अगर हम उसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जो एन क्यू है हमारा, सर एन कहाँ पे, एन और क्यू ये इतना सब पोर्शन, वो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, 3λ/2। एंड इफ यू डू फाइंड इक्वल पार्ट्स ऑफ स्लिट देन ड्यू टू द पार्टिकल्स ऑन द वेव फ्रंट ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंडरी थर्ड एंड फोर्थ द इंटेंसिटी एट पॉइंट बी जीरो बट ड्यू टू द पार्टिकल ऑफ रिमेनिंग अ फिफ्थ पाथ दैट इज इंटेंसिटी एट पॉइंट पी एंड इट मेक्स थीटा 2। अगर तीन की जगह पे पांच पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक दो तीन चार और पांच, ये कहना क्या चाहते वो बता रहा हूँ, इसका और इसका दोनों का मिलके जीरो हो गया, इसका और इसका दोनों का मिला के जीरो हो गया, एंड होल एंड सोल किस पे डिपेंड करेगा, लास्ट दैट इज फिफ्थ पे, जैसे इसमें हुआ था लास्ट दैट इज थर्ड पे डिपेंड कर रहा था। तो आप देखो टोटल के कंपेरिजन में सिर्फ इतने से वेव आ रही है तो उसकी ऑब्वियस सी बात है इंटेंसिटी कम होती जाएगी, तो सेकंड मैक्सिमा देख लो, ये सेकंड क्या थर्ड मैक्सिमा कितना छोटा हो गया, तो फॉर थर्ड मैक्सिमा ए साइन थीटा 2 डैश इज इक्वल टू 3λ/2 की जगह पे क्या होगा, 3λ/2 की जगह पे 5λ/2 होगा। क्लियर हो गया पक्का, पांच पार्ट में डिवाइडेड है और हर एक λ/2 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 इसलिए। तो उसके बेस पे अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें कि मान लो हैंस स्लिट डिवाइडेड इनटू अब 7, 9, 2n+1 मतलब ऑड लैम्बडा, तो रिस्पेक्टिव सेकंड मैक्सिमा हमें कहां पे मिलेगा, हमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ ऐसे ऐसे रिस्पेक्टिव हमें, देखो इसके कारण क्या मिलेगा थर्ड मैक्सिमा, इसके कारण क्या मिलेगा फोर्थ मैक्सिमा, ऐसे बढ़ता ही जाएगा। तो फिर मान लेते हैं nth ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा चाहिए, तो सेंट्रल नहीं सेकेंडरी मतलब दूसरे मैक्सिमा चाहिए, तो ये उसका फॉर्मूला है क्या है, ए साइन थीटा डैश इज इक्वल टू n+1λ, हमने देख लिया, तो एलसीएम ले लो तो 2n+1λ/2। अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो ये है, याद करो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें पाथ डिफरेंस कितना चाहिए था, एन लैम्ब्डा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए कितना चाहिए था पाथ डिफरेंस, 2n+1λ/2 है, n+1 n+n+1/2λ याद आया, तो मैंने एलसीएम ले लिया, ये हमने अभी अभी पढ़ा, ये किसके लिए इंटरफेरेंस, डायफ्रेक्शन पूरा उल्टा है, मैक्सिमा मिनिमा पूरा उल्टा है। मैक्सिमा के लिए क्या होगा, ए साइन थीटा डैश इज इक्वल टू n+1 n+1/2λ, चेक करो अभी हमने देखा ये किसके लिए, फॉर nth ऑर्डर मिनिमा,
क्या है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा है, एन लैम्बडा आप देख पा रहे हो ना ये छोटे छोटे फॉर्मूला। आप बोलो सर एन लैम्बडा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ना हम यहाँ पे मिनिमा और मैक्सिमा की बात करें इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ए साइन थीटा डैश एन प्लस हाफ लैम्बडा और इधर डाल दिया वैल्यूज। तो फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए जनरल फॉर्मूला, मान लेते हैं कि थीटा एन बहुत ही छोटा है तो साइन थीटा एन विल बी इक्वल टू थीटा एन डैश। तो ए थीटा एन डैश इज इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्बडा बाय टू, ए को नीचे लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा फॉर मैक्सिमा। और मिनिमा के लिए क्या है फॉर्मूला, थीटा एन इज इक्वल टू याद करो एन लैम्बडा बाय, ये किसके लिए मिनिमा और ये किसके लिए मैक्सिमा, ये किसके लिए मिनिमा के लिए। अब क्लियर हुआ, आई होप आप लोगों को अब दिमाग में फिट हो गया, कुछ भी डाउट नहीं है, डन आगे बढ़े फिर, श्योर ओके। अब जैसे हमने बात करी थी दो टाइप के डायफ्रेक्शन होते हैं, फ्रोनोफर डायफ्रेक्शन और फ्रेंजल डायफ्रेक्शन। फ्रोनोफर डायफ्रेक्शन का ग्राफ किस हिसाब से होता है, इन फ्रोनोफर डायफ्रेक्शन द ग्राफ ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन वर्सेस डायफ्रेक्शन एंगल थीटा। देखो एक सेंट्रल, फिर ये फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मैक्सिमा, जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी, बिकॉज मैंने आपको समझाया अभी था, क्लियर हुआ। फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी सेड दैट द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज हाईएस्ट, ऑल मिनिमा हैज जीरो लाइट इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा डिक्रीज विद इंक्रीज इन द एंगल ऑफ डायफ्रेक्शन। जैसे जैसे एंगल ऑफ डायफ्रेक्शन बढ़ता जाएगा, थीटा एन याद करो, थीटा एन क्या था उसका फॉर्मूला, थीटा एन का 2n प्लस 1 लैम्बडा बाय 2a, याद है ये किसके लिए, मैक्सिमा के लिए, अभी हमने पढ़ा। तो जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जाओगे क्या होता जाएगा, उसका इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज एंड ऑर्डर इंक्रीजेस एंड विड्थ आल्सो डिक्रीजेस, विड्थ ऑफ द मैक्सिमा धीरे 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 देखो छोटी होती जाएगी। एज रेशियो लैम्बडा बाय a स्मॉलर द डायफ्रेक्शन विल बी लेस एंड इट इज लार्ज द डायफ्रेक्शन विल बी मोर। याद रखना बेटा, अगर लैम्बडा बाय a का रेशियो, a क्या होता है, लैम्बडा क्या होता है पता बेटा, a क्या होगा लैम्बडा क्या होगा, a इज योर विड्थ स्लिट विड्थ एंड लैम्बडा इज द वेवलेंथ, a इज द स्लिट विड्थ एंड लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ, और लास्ट द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द स्लिट। क्या बोला है, द एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ मतलब ये मैं आपको बताता हूँ कैसा एंगुलर विड्थ क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द स्लिट। जितना जितना स्लिट का विड्थ बढ़ाते जाओगे उतना उतना एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कम होता जाएगा, ठीक है। सर आप क्या बोल रहे थे थोड़ा समझाओ, समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देख पा रहे हो ये डायफ्रेक्शन, ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है ये सेंट्रल मैक्सिमा है, फिर फर्स्ट मिनिमा, ये क्या है सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर मिनिमा, ये थर्ड मैक्सिमा, फिर मिनिमा, ये फोर्थ मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर फिफ्थ मैक्सिमा, फिर मिनिमा, ऐसे ऐसे आगे जाते जाओगे देखो इंटेंसिटी बहुत ही कम होती जाती है, इस तरह से डायफ्रेक्शन पैटर्न प्रोड्यूस होता है। आप बोलो सर हिप्नोटाइज नहीं कर रहे हो, नहीं हिप्नोटाइज नहीं कर रहा हूँ, ये उसका डायफ्रेक्शन का पैटर्न है। यह इंटरफेरेंस और डायफ्रेक्शन के बीच का डिफरेंस बहुत बार एग्जाम में आ सकता है कंपेयर करने को। इट इज ऑप्टेन ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव, इट इज ऑप्टेन ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम वेव फ्रंट, और ये दो सोर्स है और ये एक ही वेव फ्रंट के डिफरेंट पार्ट्स है। दूसरा, ब्राइट एंड डार्क ऑल इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर इक्वल इन विड्थ, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, जैसे जैसे आगे जाते जाओगे वो डिक्रीज होती आती है। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस हैव इक्वल इंटेंसिटी, यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, हाईएस्ट इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा की होती है, उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज होती आती है। डार्क इंटरफेरेंट फ्रिंजेस आर कंप्लीटली डार्क, इसमें ऐसा नहीं होता है, परफेक्ट डार्क होना ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है, क्लियर हुआ। सो पॉज द वीडियो एंड जल्दी से नोट इट डाउन। ओके नेक्स्ट, एक्सप्लेन दैट फॉर अ ग्रेटर डिस्टेंस द स्प्रेडिंग ऑफ द डायफ्रेक्शन डोमिनेट्स ओवर ड्यू टू रे ऑप्टिक्स। अगर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे हमें फ्रेंजल डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है,
मान लेते हैं फॉर एन अपर्चर ऑफ साइज है, अपर्चर मतलब वो स्लिट। देखो मैंने आपको ये बताया कि डायफ्रेक्शन हमेशा लेंस में होता है, तो जितनी लेंस की साइज बड़ी मतलब वो स्लिट की साइज समझ लो, ठीक है। मतलब इतनी बड़ी लेंस की साइज है तो यहाँ से पूरा प्लेन वेव फ्रंट आएगा, यहाँ से जो चेंज होगा उसकी बात है। ओके, इल्यूमिनेटेड बाय अ पैरेलल बीम, इल्यूमिनेटेड बाय अ पैरेलल बीम सेंड्स डायफ्रेक्टेड लाइट एट एन एंगल थीटा, थीटा पे वो डायफ्रेक्टेड लाइट फेंकता है। तो एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू लैम्ब्डा बाय ए, ये थीटा इज इक्वल टू लैम्ब्डा बाय ए का फॉर्मूला है, बराबर है। थीटा इज इक्वल टू लैम्ब्डा बाय ए, ये फ्रेंजल डायफ्रेक्शन का फ्रेंजल डायफ्रेक्शन से पहले मैं आपको एक चीज सिखा दूं, उसके बाद फ्रेंजल डायफ्रेक्शन पढ़ते हैं। हाँ, ये ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर एंगुलर विड्थ, तो ये पढ़ोगे तब आपको थीटा इज इक्वल लैम्ब्डा बाय पता चलेगा ना। अब देखो, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज द डिस्टेंस, विड्थ ऑफ द, ये देखो सेंट्रल मैक्सिमा है, जैसे हमने डायग्राम भी देखा था, इसकी विड्थ कितनी होगी, ये जो इतने उसकी विड्थ इतनी कितनी होगी वो फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला होता है क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मिनिमम ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो ये उसकी विड्थ हो जाएगी, फर्स्ट मिनिमम सेंटर से जितना मिलेगा और फर्स्ट मिनिमम इधर सेंटर से जितना मिलेगा उसका क्या हो जाएगा, उसका डबल कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, क्या मिल जाएगा, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। तो आपको ये चीज पता है कि भाई विड्थ का फॉर्मूला है लैम्ब्डा बाय ए फॉर अ मिनिमम ऑफ वन साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन, एक साइड का सेंट्रल मैक्सिमा का थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्ब्डा बाय ए, सिर्फ इतनी पार्ट की बात कर रहा हूं, ये इतना हो जाएगा लैम्ब्डा बाय ए, और ये भी कितना हो जाएगा लैम्ब्डा बाय ए। अब लो सर कहां से आएगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। मैं क्या बोला, समझ में आया बेटा, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये देखो यहाँ पे मिनिमा मिला, ये मिनिमम, दोनों साइड जो एक बात ये समझना, सेंटर से लेके दोनों साइड सेम कॉन्सेप्ट होते हैं, जितना इस साइड तो उतना इस साइड, ओके। वेर थीटा इज द हाफ विड्थ, वेर इज टोटल सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी होगी, टू थीटा, टू थीटा इज इक्वल टू उसको क्या बोल सकते हैं, इसका डबल, तो कितना हो जाएगा टू लैम्ब्डा बाय ए, कितना हो जाएगा टू लैम्ब्डा बाय ए। अब टू थीटा का फॉर्मूला, यहाँ पे से टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, आर्क अपॉन रेडियस, जनरली थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क, आर्क की लेंथ मतलब यहाँ पे आर्क की लेंथ मान लेते बीटा नॉट, और अपॉन रेडियस मतलब वो डिस्टेंस कितना है डी, याद है मैथ्स वालों को याद होगा, इसको थीटा मानते हैं, ये आपका आर्क और ये आपका रेडियस, याद आया, तो आर्क कितना बीटा नॉट और रेडियस मतलब कितना डिस्टेंस है डी डिस्टेंस, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, टू थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो बीटा नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, डी इंटू टू थीटा, और टू थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, क्या है टू लैम्ब्डा बाय ए, तो बीटा नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू डी लैम्ब्डा बाय ए, क्लियर क्लियर। अब मान लो फॉर एंगल ऑफ एन प्लस वन ऑर्डर मिनिमम, बीटा जीरो इज द विड्थ ऑफ लीनियर सेंट्रल मैक्सिमम, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमम डिस्टेंस, सेंट्रल मैक्सिमा हमने पता है ऐसा बनाया था, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमम डिस्टेंस, दोनों सेंट्रल मैक्सिमम के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा बीटा नॉट, कितना है टू डी लैम्ब्डा बाय ए, ठीक है। अब सेकेंडरी मैक्सिमा का विड्थ कितना होगा, लीनियर विड्थ, लीनियर विड्थ मतलब समझ रहे हो डिस्टेंस, सो द एंगुलर विड्थ ऑफ एन मींस द लीस्ट एंगुलर डिफरेंस बिटवीन एन एंड एन प्लस वन, दोनों का डिफरेंस जैसे हमने फ्रिंज विड्थ फाइंड किया था वैसे ही यहां पे फाइंड करना है। तो एंगल ऑफ लीस्ट एंगुलर एन का फॉर्मूला क्या होगा, देखो थीटा इज इक्वल टू लैम्ब्डा बाय, तो एंथ के लिए क्या होगा एन लैम्ब्डा बाय, थीटा इज इक्वल टू लैम्ब्डा बाय, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्ब्डा बाय, मतलब ये सेकंड थीटा, बराबर है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो वो उसके लिए क्या होता जाएगा, थीटा एन, ये चेक करो, यहाँ पे मैक्सिमम फिर मिनिमम हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम फिर मिनिमम हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम के लिए आपने थीटा एन थीटा वन फाइंड किया था, ये सेकंड ऑर्डर के लिए थीटा टू, थर्ड ऑर्डर के लिए थीटा थ्री, ऐसे nth ऑर्डर के लिए हम जनरली फाइंड क्या करते हैं, दो मिनिमास के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लो तो हमें मिल गया,
वेयर एज हमें तो क्या चाहिए, हमें अब ये जो नेक्स्ट हमारा मैक्सिमा है उसका डिफरेंस चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद का मिनिमा और ये मिनिमा उनका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो ये मिनिमा के लिए मान लो ये थीटा एन निकला, और उसके ऊपर वाला मिनिमा दोनों को डिफरेंस कर लेंगे, तो ऊपर वाला मिनिमा ये रख लैम्बडा बाय क्यू नहीं है, ये हो गया ठीक है। तो थीटा एन प्लस वन के लिए हो गया, एंगुलर विथ मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, एन प्लस वन लैम्बडा बाय माइनस लैम्बडा बाय, तो सिर्फ कितना होगा लैम्बडा बाय ए। और उसकी लीनियर विथ क्या होगी, ये तो उसका एंगुलर विथ निकली, लीनियर विथ के लिए तो फॉर्मूला आपको पता ही है, बीटा इज इक्वल टू थीटा इंटू डी, एंगुलर विथ इंटू डी, ये आपने फिजिक्स में 11th में पढ़ा था। अब थीटा कितना निकला आपका लैम्बडा बाय इंटू डी बराबर। अब इसको और आगे जो हमें हमें क्या मिला बीटा जीरो, दोनों को आप रेशियो करो, बीटा जीरो बाय बीटा तो वो निकलेगा टू, तो बीटा जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू बीटा। हमेशा जो सेंट्रल विड्थ होती है वो जो नेक्स्ट होगा उससे हमेशा क्या होगी डबल होगी, नेक्स्ट मतलब समझ रहे हो, उसके बाद वाले से हमेशा क्या होगी डबल होगी। तो ये भी उसका फॉर्मूला है, बहुत सारे फॉर्मूलाज है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 2 से 3 बार वीडियो देखिएगा, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। और यहाँ पे हमारा चैप्टर ये खत्म होता है, बिकॉज बाकी फिर रिजोल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और वो सब आपको पूरा पोर्शन कट है, पोलराइजेशन भी कट है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज लेंगे ताकि आपको पूरा चैप्टर इजिली क्लियर हो जाए। फिर भी किसी को नहीं पता चला मैं रिविजन के लिए बुलाऊंगा, तब आप पूछते रहिएगा, बाकी अभी तो कर लीजिए तो कम से कम थोड़ा बहुत तो पता चले आपको। डन, ओके, टेक केयर बेटा एंड स्टडी वेल।